Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो गुजरात में दबदबा रखने वाली GTPL डिजिटल केबल टीवी और ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर को खरीदने वाली है। कंपनी इससे पहले केबल टीवी और ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर्स हैथवे केबल और डेन नेटवर्क्स को खरीदने का ऐलान कर चुकी है। रिलायंस जियो ने GTPL हैथवे में कंट्रोलिंग स्टेक को खरीदने के लिए कंपनी के प्रोमोटर्स से बातचीत शुरू कर दी है। हैथवे और डेन के बाद रिलायंस जियो को रीजनल लेवल पर मजबूती पाने के लिए GTPL को खरीदना पड़ रहा है। GTPL मजबूत फाइनेंशियल रिकॉर्ड और साफ सुथरे अकाउंटिंग बुक के साथ ऐसी पहली कंपनी है। जानकारी के लिए बता दें कि हैथवे की वजह से रिलायंस को पहले ही कंपनी में 20% हिस्सेदारी मिल चुकी है। हालांकि GTPL के साथ सौदे पर बातचीत अभी शुरुआती दौर में है और ओपन ऑफर के बाद इसका ऐलान किया जाएगा। रिलायंस जियो इस कंपनी को खरीदने के लिए कुल 238 करोड़ रुपए खर्च करेगी। बता दें कि GTPL हैथवे देश के दिग्गज केबल टीवी सर्विस और ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर्स में से एक है, जिसके पास 76 लाख एक्टिव डिजिटल केबल सब्सक्राइबर्स है। कंपनी गुजरात में दबदबा है, जहां इसके पास 67% मार्केट शेयर और 40 लाख ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स हैं। इसके साथ ही यह 24% मार्केट शेयर के साथ पश्चिम बंगाल की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। अभी कंपनी की देश के 11 राज्यों के 500 शहरों में पहुंच है। यह कंपनी 20,000 लोकल केबल ऑपरेटर्स के साथ काम करती है। GTPL के 30 जून तक 2.9 लाख ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स थे। ब्रॉडबैंड बिजनेस में इसकी नेट ARPU 465 रुपए है। वित्त वर्ष इस कंपनी ने 1,113 करोड़ रुपए की आमदनी और 61.4 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। डेन और हैथवे में हिस्सेदारी खरीदने के बाद अब कंपनी GTPL में भी अपनी हिस्सेदारी खरीदने वाली। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट। फॉर द लेटेस्ट टेलीकॉम न्यूज सब्सक्राइब टू दिस चैनल नाउ।